हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई होप सब लोग ठीक हो और सबकी पढ़ाई अच्छे से शुरू है। सो वी हैड लास्ट टाइम स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पॉइंट इन टू आवर चैप्टर। और नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है एनिमल टिश्यूज़। और एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यू का जो मेजर उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कवर कर लिया था। ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम जो एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट साइज ऑफ द सेल्स। ठीक है, एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स, यानी कि वो दिखने में कैसे है, एंड जो वो लोग फंक्शन कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से एंड शेप के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहला टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू का, उसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है, सबसे पहले तो आज हम इसका डायग्राम देखते हैं ताकि इस पर से हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सके। ठीक है, तो डायग्राम ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम अगर आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका भी ये प्रैक्टिस होता जाए। ठीक है, सो जो डायग्राम है हम अगर देखते हैं तो इसके सेल्स जो है वो काफ़ी फ्लैट होते हैं। ठीक है, एंड दे कवर लार्जर एरियाज़। ओके, एंड दे आर वेरी एंड टू एंड अटैच्ड, यानी कि उसमें बिल्कुल इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो सेल्स अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप के हो, बट फिर भी दे विल बी एंड टू एंड अटैच्ड, यानी कि उसमें इंट्रासेलुलर स्पेस है ही नहीं, गैप्स कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। ठीक है, और वो पूरी तरह से एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं इन टू द बॉडी। ठीक है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हर एक सेल के अंदर एक काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट ऐसा न्यूक्लियस होता है। एंड सेल्स जो है वो साइज़ में ऊपर से देखते हैं तो वो काफ़ी फ्लैट और अच्छा खासा वाइडर एरिया कवर कर देते हैं, बट इसका अगर सेल का हम लोग थिकनेस देखने जाए, ठीक है, तो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, यानी कि वो काफ़ी फ्लैट फ्लैट एंड थिन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इन सेल्स को देखते हैं, व्यू करते हैं। तो आपको टिश्यूज़ के डायग्राम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करती हूँ, उसका थिकनेस। ठीक है, इट इज़ क्वाइट थिनर लाइक दिस। ओके, एंड इफ़ यू सी फ्रॉम अबाउट देन इट कवर्स अ लार्जर एरिया। ठीक है, ये हो गया इसका टिश्यू का लेयर, यानी कि जो इसके सेल्स है वो कैसे प्लेस्ड है, वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था दैट इट लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन से, कनेक्टिव टिश्यू से उसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, जिसके ऊपर ये सेल्स जो है वो उस पर रहते हैं। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो उसको नरिशमेंट देता है, इसीलिए ये सेल्स जो है इसके ऊपर पूरी तरह से लाए होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कलर इट कम्प्लीटली ऑल्सो, नो इश्यूज़। ठीक है, जो ब्लू कलर का है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, एंड दीज आर द सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टर, और वी कैन से दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये सेल्स कैसे है और ये टिश्यू किस तरह से दिखता है। ठीक है, नाउ एज वी कैन सी दैट सेल्स आर वेरी फ्लैट एंड दे कवर अ लार्जर एरिया। ठीक है, तो हमने इसके पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने, या फिर इसके क्लासिफिकेशन के टाइम में भी मैंने आपको एक जिस्ट बताया था कि ये जो सेल्स है दीज फॉर्म द स्किन। ओके, तो यही रीज़न है। सो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक लिखते जाते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज द सेल्स आर थिन। ठीक है, उसका थिकनेस बहुत कम है। देन सेकंड, दे आर फ्लैट। ओके, एंड दे आर डिस्क लाइक और पॉलीगोनल।
और इरेग्युलर, ठीक है, थिन एंड फ्लैट लाइक अ डिस्क, दे आर इरेग्युलर इन शेप, ठीक है, दे आर हैविंग राउंड न्यूक्लियस विच इज प्रोमिनेंट, ओके। तो ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इसका न्यूक्लियस अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी राउंड एंड प्रोमिनेंट होता है। जस्ट एडजस्ट माय बुक। ओके एंड अगेन इफ वी सी, तो इसके एडजेसेंट सेल्स जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल एंड टू एंड अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से देर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस या फिर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं देन दीज सेल्स एक्चुअली लुक लाइक अ पेवमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे घर में टाइल्स फिट होती है, ठीक है, तो एक टाइल से दूसरी टाइल पूरी तरह से फिट होती है। आपने देखा होगा कुछ काने या फिर कुछ कॉर्नर्स में जहाँ पे हम टाइल को फिट नहीं कर सकते या फिर कुछ जगहों पे जहाँ पे बच जाता है एरिया, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके लगा देते हैं और फिर वो एंड टू एंड अटैच होते हैं, वहाँ पे गैप्स नहीं होते। ठीक है, वैसे ही कुछ अपियरेंस इन सेल्स का है। अगर हम देखें तो इसका सेम अपियरेंस इज लाइक सेल। आप इमेजिन कर सकते हो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ लाइक सीमेंट, सीमेंट नीचे डाल दो और उसके ऊपर टाइल लगा दो, वैसा ही कुछ ये है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सीमेंट के जैसा है और एक एक टाइल इसके ऊपर फिट किया है पतला और ऊपर से सरफेस बड़ा। ठीक है, तो इसीलिए दीज आर थिन फ्लैट एंड दे कवर लार्जर एरिया। ठीक है, ऑल्सो इनके अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो वो काफ़ी वेवी होते हैं, जो कि जब वो इनर लाइनिंग बनाते हैं ब्लड वेसल्स का, लिम्फ वेसल्स का, या फिर जाके बहुत सारे जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर के लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके दिखाई देते हैं कि दीज आर इन दी शेप्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ से स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग होते हैं। देन सिंपल स्क्वामस, इसके टाइप्स से दो, ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलिया। एक होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में फ़र्क क्या है? तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम अगर हम देखते हैं तो उसमें ये सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल होता है, जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में स्ट्रेटा यानी लेयर्स, ठीक है, ऐसे कुछ। ओके, तो इसमें क्या होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में, ऐसे इसके ऊपर और लेयर्स रहेंगे, तीन चार लेयर्स, पाँच छः लेयर्स, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक के ऊपर एक ऐसा स्ट्रेटिफाइड दिखता है। ठीक है, वन और मोर लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल व्हेन दे आर प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो जहाँ पे भी थिक कवरिंग इसेंशियल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन का सर्फेस हो गया, या फिर ओरल कैविटी जो हमारे माउथ के अंदर का एरिया है, ठीक है, या फिर ईसोफेगस जो हमारा गट कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरली मैकेनिकल इंजुरीज होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्किन के ऊपर कट जब भी होता है या फिर कभी भी हमें इंजुरी होती है तो उसमें आपको स्किन के लेयर्स दिखाई देती है। ठीक है, छोटे छोटे आपको उसमें क्या दिखते हैं, फटाफट कट नहीं आता है बट रादर उसमें आपको पीलिंग लेयर्स दिखाई देते हैं, या फिर कभी कभार स्किन के नाखून के पास से स्किन पील होती है, ठीक है, तो उसके नीचे और एक लेयर ऑफ स्किन होता है, उसके नीचे और एक लेयर ऑफ स्किन होता है, ऐसे हमारे स्किन के ऊपर आपको लेयर्स दिखाई देते हैं। सो दैट इज लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जबकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन टू वेरी इनर एरियाज जहाँ पे मैकेनिकल वेरेंटर बहुत कम है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्वियोलाई के अंदर, या फिर पेरिकार्डियम के ऊपर, या फिर जाके जो सारे डेलिकेट लाइनिंग्स है हमारे ऑर्गन्स के अंदर के बाहर के, ओके, इनको सबको जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का लेयर होता है। ठीक है, सो एन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन टू एरियाज वेर देर इज लेस मैकेनिकल वेरेंटर, जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इट इज प्रेजेंट इन टू मोर मैकेनिकल वेरेंटर। अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को देखते हैं तो उसमें वाटर रेजिस्टेंस और जाके ये सब चीज़ें भी बहुत काफ़ी हायर क्वांटिटी में होती है, और इसी वजह से हमारे स्किन के ऊपर भी पानी अगर गिरता है तो वो फटाफट अंदर नहीं चला जाता या फिर एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, सो हेंस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी ये जाके
कहाँ कहाँ पे लेयर बनाता है ये मैंने जैसे पहले भी बताया था, कोलोमिक कैविटी जो है हमारा एपिथेलियल लेयर से बनता है, या फिर जाके अपना पेरिटोनियम्स जो है, यानी कि मैंने आपको बताया था द लेयर्स ऑफ से सेल्स विच लाइन दी इनर विसरल ऑर्गन्स है ना, यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके कवरिंग बनाने के लिए, ये सारी जगहों पे अपना जो है स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे सिंपल स्क्वामस होता है। और जाके फिर जाके आप हमारे स्किन के ऊपर भी देख लो, जहाँ पे भी मैक्सिमम मैकेनिकल वेरेंट एयर होता है वहाँ पे ज़्यादा थिक स्किन होता है, जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे कम थिक स्किन होता है, जैसे पाम का एरिया, ठीक है, दिस इज़ थिनर स्किन, जबकि यहाँ का एरिया देखते हैं तो वो थिकर होता है। इसके ही जैसे अगर हम इसके अलावा एल्बो देखेंगे तो वहाँ पे और थिकर होता है, नी रीजन पे और थिक होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारे लेयर्स जो है वो बताते हैं कि कितना स्ट्रेटिफिकेशन उसमें हो गया है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट स्क्वामस एपिथेलियम। अभी हम इसमें एक और पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शनिंग क्या है, तो सबसे पहले अभी जैसे हमने उसको स्टडी करते वक्त बोला कि इसके सेल काफ़ी फ्लैट थिन रेगुलर और जाके ये पूरी तरह से एंड टू एंड अटैच्ड और लेयरिंग कर सकते हैं, सो इसका मेन फंक्शन, ठीक है, इज़ टू फॉर्म कवरिंग। ठीक है, कहाँ के कवरिंग, सारे सेल्स के ऊपर, सॉरी सारे ऑर्गन्स के ऊपर के कवरिंग, जाके सारे अपने जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर जाके हमारा स्किन लेयर्स है और ये सब चीज़ों में ये लेयरिंग बनाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स के सेल्स जो है वो एक साथ रह सकते हैं और उनमें डेसिकेशन नहीं होगा, उसमें केमिकल्स की इंजुरीज नहीं होंगी, उसमें ड्राइंग नहीं होंगी, उसमें से मैकेनिकल इंजुरीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए इसके कवरिंग्स इसेंशियल है, ठीक है। सेकेंडली, इट इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सो इट हेल्प्स इन टू फिल्टरेशन, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इन टू लंग्स, लंग्स में ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करने में हेल्प करता है, किडनी में ये सेम लेयर जो है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकालने को हेल्प करता है, ठीक है, सो सिलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से भी ये हेल्प करेगा। एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू डिफ्यूजन, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है, तो सर्टन ऑर्गन्स में डिफ्यूजन के लिए हेल्प करता है। और लास्टली मैकेनिकल इंजुरी या फिर केमिकल इंजुरी, इनसे बचाता है एंड ऑल्सो फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है, तो ये इसके फंक्शनिंग है। सो इसीलिए स्क्वामस एपिथेलियम जो है मेजरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसका फंक्शनिंग ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, ये तीन चार फंक्शंस आप याद रख लो, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसका डायग्राम, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इनटू एग्जाम, तो आपको ये सब लिखना है इसमें है। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स अगर हम देखते हैं तो इसके सेल्स जो है वो काफ़ी थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, तो इसके सेल्स को ड्रॉ करते वक्त भी हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो काफ़ी थिक है इन नेचर, ठीक है, उसके एज़ कम्पेयर टू स्क्वामस एपिथेलियम जो काफ़ी थिन थे, ठीक है, तो इसके सेल्स उससे काफ़ी थिक है। और सेल्स जो है उनका शेप आप देख सकते हो कि मैं उसको डिलिबरेटली ड्रॉ कर रही हूँ क्यूब फॉर्म में, ठीक है, तो दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, ओके, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल्स आर क्यूब लाइक इन शेप। ओके, सो ऐसे उसके लेयर्स प्रेजेंट है, ये ऊपर का सरफेस है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है, ऐसे कुछ उसके सेल्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो दीज आर सेल्स विच लुक क्यूब लाइक, सो हेंस उसका नाम क्यूबॉइडल एपिथेलिया, ठीक है, तो ये हो गया अपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डायग्राम। वापस से इसमें एक ज़रूरी चीज़ कि सभी के, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल्स जो है वो रहते हैं, ठीक है, सो वी विल ड्रॉ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन हियर। ओके, सो दिस इज समथिंग, ये टॉप व्यू है, ऊपर से ऐसे दिखता है और ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे कुछ दिखने में, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, टॉप व्यू, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू।
ओके, सो दीज आर द सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सेल दिखने में कैसे है, ठीक है। सो सेल्स आर क्यूब लाइक सेल्स, ओके। तो क्यूब के जैसे, जैसे यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया है, क्यूब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो ये सेल भी कुछ वैसे ही दिखने में, इसीलिए दीज आर क्यूब लाइक सेल्स। ऑलमोस्ट इसका हाइट एंड विड्थ सेम है, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए। देन ऑल्सो इनको अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो स्क्वेरिश दिखते हैं, तो यहाँ से अगर हम ऊपर से देखते हैं देन दे आर स्क्वेरिश, ठीक है, या फिर स्क्वायर लाइक। एंड उसको वर्टिकल सेक्शन अगर हम ऐसे देखते हैं तो वो भी स्क्वायर ही दिखता है, ठीक है, या फिर ऊपर से देखते हैं तो वो हेक्सागोनल दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा हेक्सागोनल शेप दिखाई देता है और फिर यहाँ पे ये स्क्वायरिश दिखाई देता है, ठीक है। तो क्यूब लाइक है बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऊपर पे ये पार्ट ऐसा है, ये सेल ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। सो हेंस इट इज़ क्यूब लाइक। देन नेक्स्ट इज ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारे बॉडी में हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर प्रेजेंट इन टू, अभी ये क्योंकि इतने थिक है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, भी इसका थिकनेस अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से दीज आर प्रोटेक्शन जहाँ पे मैक्सिमम ज़रूरी है, ठीक है, ऐसी जगहों पे इसका प्रेजेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर प्रेजेंट इन टू किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, या फिर इनटू सलाइवरी ग्लैंड्स, और दे आर प्रेजेंट इनटू ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड, ओके, और दे आर प्रेजेंट इनटू पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है, ये इसका ऑकरेंसेस है। ऑल्सो दीज आर प्रेजेंट इनटू जर्मिनल एपिथेलियम, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो जर्मिनल एपिथेलिया जो होता है जनरली इट कैरीज आउट मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे इसका ऑकरेंस है, यानी यहाँ यहाँ हम सभी सब जगहों पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पे प्रेजेंट है, यानी इसका फंक्शनिंग भी इसके रिलेटेड ही होगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट्स हो गए, ये सब का फंक्शन है सिक्रेटरी फंक्शन, यानी कि ये स्वेट सिक्रेट करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, ठीक है। सो हेंस इसका सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रीशन, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, जहाँ पे भी ये सपोर्ट के लिए प्रेजेंट है वहाँ से वो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है, जहाँ पे भी वो सलाइवरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स में प्रेजेंट है वहाँ पे वो सीक्रीशंस करता है, और जहाँ पे भी वो होल्ड एंड सपोर्ट दे रहा है वहाँ पे वो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी करता है, ठीक है। एंड सेकेंडली क्योंकि ये इतना थिक एंड वाइड है, सो इट इज़ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ओके। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ आर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। इसके अलावा क्यूबॉइडल एपिथीलियम में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम में क्या होता है कि कभी कभार जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स में, ठीक है, तो जहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथीलियम वहाँ पे प्रेजेंट है और वो सीक्रेटरी फंक्शन में है, तो वो किस तरह से सीक्रेटरी फंक्शन में जाता है, या फिर उसका सीक्रेटरी फंक्शन क्यों वहाँ पे है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मैं बताती हूँ आपको कि क्यों है वैसा। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कभी कभार क्या होता है कि द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो कभी कभार इट फोल्ड्स एंड मेक्स सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और इसके यहाँ के जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के होते हैं जनरली, ठीक है।
एंड दे बिकम सीक्रेटिव इन फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ से सीक्रेशंस होता है ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो इसको हम बोलते हैं अभी ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सीक्रेशंस करता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्रेशंस लाइक स्वेट और से सीबम और से सलाइवा और इवन डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, तो उसकी वजह से ये ग्लैंड्स बनते हैं. तो ग्लैंड्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स. ये जो मैंने बनाया हुआ ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं जिस ग्लैंड इसको डक्टलेस ग्लैंड, जिसको डक्ट नहीं है या फिर ट्यूब नहीं है. और एक दूसरा ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, जिसको जैसे यहाँ से ये स्किन से नीचे जाके ऐसे डक्ट बनाता है यानी ट्यूब बनाता है, और फिर यहाँ पे ये ग्लैंड होता है यानी ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन इट इज कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड. तो जो डक्टलेस ग्लैंड है उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो डक्ट ग्लैंड है यानी जिसमें ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है डक्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में क्लास 10th में इसका स्टडी है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट. सो दिस इज अबाउट क्यूबॉडल एपिथेलियम. अब क्यूबॉडल एपिथेलियम के बाद में जो आता है एपिथेलियल टिश्यू उसका नाम है कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है, सो सी इज कॉलमनार एपिथेलियम. तो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू जो है उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि एपिथेलियम कैसा है. सो दीज सेल्स आर कॉलम लाइक, ठीक है, या फिर पिलर लाइक. तो इसके सेल का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, लंबे लंबे पिलर्स के जैसे इसके सेल्स होते हैं जनरली. ठीक है, और वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है. ठीक है, ऊपर से वापस से ये हेक्सागोनल है थोड़े बहुत, और फिर नीचे अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखते हैं तो वो काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं. सो दे लुक लाइक लॉन्ग पिलर्स. ओके, सो इस तरह से कुछ दिखने में होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स. ओके, एंड नीचे उसके रहता है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन. जिसके ऊपर ये सेल्स रेस्ट कर रही है. ठीक है, तो ऐसे कुछ दिखने में है अपना कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. तो कॉलमनार एपिथेलियम जो है उसके सेल्स कॉलम लाइक है. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, लिख देते हैं इसके. ओके, सो सेल्स आर कॉलम लाइक, पिलर लाइक लिख देती हूँ, लॉन्ग. ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन टू इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. ओके, और इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इसके अलावा इसको अगर हम देखते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट इन टू मेनी डिफरेंट सर्फेसिस लाइक ट्रकिया के अंदर वगैरह होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं. अभी कॉलमनार एपिथेलियम में कभी कभार एक मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि उसके जनरली जो ये ऊपर का सर्फेस है, ठीक है, उसमें ब्रश बॉर्डर होता है यानी कि ऐसे सीलिया होती है उसके ऊपर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये जो सीलिया है इट इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो जहाँ पे ये इनटू एब्जॉर्प्शन वाले एरियाज में प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ सपोज इट इज प्रेजेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन फंक्शन करता है. ठीक है, तो सीलिया जो है जनरली ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है. ठीक है, तो जब सीलिया प्रेजेंट होता है तब उसको बोलते हैं हम लोग सीलिएटेड एपिथेलियम. ओके, तो सिलिएटेड एपिथीलियम जब भी ये उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है देन इट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, मोस्टली ये कॉलमनार एपिथीलियम में प्रेजेंट होता है. कभी कभार हमें ये क्यूबॉडल एपिथीलियम में भी सीलिया दिखाई देती है, तो उसकी वजह से ये ब्रश बॉर्डर है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सपोज दिस इज द सेल सर्फेस. ठीक है, ये सेल है और यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है. ठीक है, और ये उसका ऊपर का सर्फेस है. नाउ दिस इज एक्सपोज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड.
ठीक है, तो इतने एरिया में ये एब्जॉर्प्शन कर सकता है अभी, ओके। बट अगर मुझे इस एरिया को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालूंगी, तो ये सेल हो गया और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसे करके ये एरिया बढ़ गया, और ऐसे एरिया में ऐसे बहुत सारे फिंगर्स, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सो दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीज अ लॉट ऑफ सर्फेस एरिया। तो ब्रश बॉर्डर जो है या फिर ये जो सीरिया है, ये किस लिए हेल्प करती है, जब हमें एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिए लार्जर सर्फेस एरिया प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सो इट इज़ एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हमें से मूवमेंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें इमोबाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रकिया के अंदर, ठीक है, ट्रकिया के अंदर म्यूकस जो है, म्यूकस यानी स्पूटम जब एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो उसको पुश करना, बाहर पुश करना, या फिर उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है या फिर जो अनवांटेड चीज़ें अंदर जा रही है, इनको सबको बाहर फेंकने का काम भी ये सीलिया करती है। या फिर जाके मूवमेंट ऑफ ओवम, ठीक है, तो ओवा जो है, ओवम जो है, जो एग प्रोड्यूस होता है इनटू फीमेल बॉडी, दैट इज इनटू ओवरीज, तो ओवरीज से ओवम जो है जब वो ट्रांसफर करना है, तो ओवम तो नॉन मोटाइल होता है क्योंकि उसमें कोई भी मोटिलिटी के लिए फ्लैजेला वगैरह नहीं है, ठीक है, तो इसको जब भी मूव करना है तब उसमें ये सिलेटेड एपिथीलियम काम करता है। क्या करता है, ये फेलोपियन ट्यूब नाम का एक ऑर्गेन वहाँ पे एक पार्ट है, वहाँ पे ये सिलेटेड एपिथीलियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो सपोज कि ओवम ये है, ठीक है, और इसको पास करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो इसको मुझे अगर यहाँ से पास करना है तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है, इट बीट्स ओनली इनटू वन डायरेक्शन, ठीक है, तो ये ऐसा बीट करना शुरू कर देती है सीलिया, ओके, इट बीट्स इनटू दिस डायरेक्शन, तो वो क्या करेगी, इसको आगे 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 सरकाते जाएगी, ठीक है। अगर इसको पीछे सरकाना है देन इट विल बीट इनटू अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस विल हेल्प इनटू ट्रांसपोर्ट ऑफ इमोबाइल सब्सटेंसेस लाइक ओवा, ठीक है, तो इसके लिए भी ये सिलिएटेड एपिथीलियम काम करता है, हेल्प करता है इनटू आर बॉडी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं और हमें हेल्प कैसे करते हैं। सो दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, फर्स्ट वॉज क्वामस एपिथीलियम, सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम, थर्ड इज कॉलमनार एपिथीलियम, और फिर जाके उनके टाइप्स हमने पढ़े, सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, देन वी टॉक्ड अबाउट क्यूबॉइडल, जिसमें हमने बात की अबाउट क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉलमनर एपिथीलियम, एंड देन ऑल्सो अबाउट सिलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल अबाउट एपिथीलियल टिश्यू। दिस इज ऑल अबाउट एपिथीलियल टिश्यू टूडे, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ज़्यादा क्लासेस होंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ठीक है। सो फॉर टूडे वी विल स्टॉप हियर विद एपिथीलियल टिश्यू। अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग डाउट्स होंगे देन यू कैन आस्क, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड रिव्यू क्वेश्चंस जो होंगे इसके रिलेटेड वो आप सॉल्व कर लो, उसमें अगर कुछ डाउट आता है देन यू कैन मैसेज मी, ओके। एंड प्लीज डू सेंड योर होमवर्क फॉर चेकिंग। आई हैव सीन कि बहुत दिन हो गए बहुत सारे लोगों ने होमवर्क चेकिंग के लिए नहीं भेजा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करो और चेकिंग को भेजो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको डाउट्स कुछ आ रहे होंगे तो वो क्या है, या फिर आपका कहाँ सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो हैंस टेक आउट टाइम, कंप्लीट योर होमवर्क एंड लेट मी नो इफ यू नीड any extra classes, that also please let me know, okay? So I'll meet you into next class. Till then, bye.